इसको हम हीरो बोल सकते हैं नॉवल का, क्योंकि लास्ट में शादी इसके साथ होती है हीरोइन की। गैब्रियल ओक इज द हीरो ऑफ द नॉवल, जो नॉवल का हीरो है। ओक पजेस ए गुड नंबर ऑफ क्वालिटीज विच द हीरो ऑफ ए नॉवल शुड पजेस। तो ओक में ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी नॉवल के हीरो में होनी चाहिए, वो उसमें है। लाइक अदर हीरोज ओक हैज हिज फाइनल विक्ट्री इन लव, तो दूसरे हीरो की तरह ओक को प्यार में विजय मिलती है क्योंकि उससे शादी हो जाती है उसकी। हिज फिजिकल फीचर्स, उसकी शारीरिक विशेषताएं क्या हैं। गैब्रियल ओक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए बैचलर ऑफ 28 ईयर्स, कितने साल का दिखाया गया उसको, 28 का बैचलर है, कुंवारा है। ही हैज़ एन अट्रैक्टिव बॉडी, उसकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है। ही वियर्स ए लो क्राउंड फेल्ट फ्लैट आएगा यहाँ फ्लैट हैट एंड ए लॉन्ग कोट, तो वो एक लॉन्ग कोट पहनता है, एक फ्लैट हैट पहनता है। ही इज़ ए रफ डायमंड विदाउट पॉलिश, तो वो एक ऐसा हीरा है जिसकी पॉलिश नहीं की गई है, यानी वो बहुत ही गुणी व्यक्ति है लेकिन देखने में अच्छा लगता नहीं है, पॉलिश नहीं की गई उसकी, यानी उसको तराशा नहीं गया है। गॉर्जियस एंड सेल्फ लेस एटीट्यूड, जेनरस एंड सेल्फ लेस एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड बड़ा जेनरस है। जेनरस का मतलब उदार है, बड़े हृदय का है, और सेल्फ लेस है, वो स्वार्थी नहीं है। ओक इज जेनरस एंड सेल्फ लेस इन हिज एटीट्यूड, ओक अपने एटीट्यूड में, अपने दृष्टिकोण में जेनरस है और निस्वार्थ है। ही इज जेनरस टू बाथशीबा, वो बाथशीबा के प्रति भी बड़ा उदार है। ऑल्दो बाथशीबा हैज रिजेक्टेड हिज लव, हालांकि बाथशीबा ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया था। द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस फ्लोज फ्रॉम हिज हार्ट, तो उसका जो दिल है वो दयालुता से भरा हुआ है। इसमें मिल्क बोला है, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी उसके दिल से मानवता का दूध बहता है। इसका मतलब ये है, शाब्दिक हो गया अर्थ इसका, इसका मतलब ऐसे ये है कि उसका दिल जो मानवता से भरा हुआ है। इवन ओकवुड अक्नोलेजिज हिज टेंडरनेस, ओकवुड नहीं आएगा यहाँ, बोल्डवुड आएगा। बोल्डवुड भी उसकी टेंडरनेस को अक्नोलेज करता है, उसकी विनम्रता को मानता है कि वास्तव में अच्छा इंसान है, हालांकि वो उसका राइवल होता है। बोल्डवुड दोनों एक ही लड़की शादी करना चाहते हैं। हिज सिंप्लिसिटी एंड फ्रैंकनेस, अब उसका एक और गुण है कि वो सिंपल है और फ्रैंक है, स्पष्ट बोलता है, वो स्पष्टवादी है। ही इज सिंपल बट फ्रैंक इन हीज डीलिंग्स, तो वो सिंपल है और डीलिंग में बड़ा फ्रैंक है। डीलिंग का मतलब सौदेबाजी करना है, जब भी कोई किसी से वो बात करता है तो एकदम स्पष्ट बात करता है। ही नोज नथिंग अबाउट पॉलिश्ड लैंग्वेज, उसको मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना नहीं आता। पॉलिश्ड लैंग्वेज का मतलब है हाँ चिकनी चुपड़ी बातें करना, बातें घुमा फिरा के करना, इस तरह से जैसा है वैसा बोल देता है। ही इज़ ए रफ डायमंड, यहाँ पे फिर दोबारा जिक्र आ गया कि वो एक रफ डायमंड है। डायमंड तो है, इंसान तो बहुत अच्छा है पर थोड़ा रफ है। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उसके माइंड का बैलेंस। गैब्रियल ओक डज नॉट लूज हिज बैलेंस ऑफ माइंड इवन व्हेन हिज लव इज रिजेक्टेड बाय बाथशीबा, तो गैब्रियल ओक अपना बैलेंस नहीं खोता है जब उसके लव को बाथशीबा रिजेक्ट कर देती है। ज़्यादातर ऐसा होता है ना, जब कोई लड़की किसी लड़के को रिजेक्ट कर देती है तो या तो हार्ट ब्रोकन हो जाता है या गुस्सा हो जाता है या दुखी हो जाता है, लेकिन ये बड़ा नॉर्मल रहता है। ही गिव्स गुड एंड रीजनेबल एडवाइस टू अदर्स, और वो दूसरों को भी बड़ी अच्छी और तर्कसंगत राय देता है। ए मैन ऑफ डिग्निटी एंड पेशेंस, अब उसकी एक खास बात और है कि डिग्निटी है उसके अंदर, उसकी खुद की एक इज्जत है और पेशेंस है, अपनी नज़रों में जिसकी इज्जत होती है वो डिग्निटी होती है, और पेशेंस का मतलब धैर्य है। ओक नेवर रिजॉर्ट्स टू मीन एक्ट्स, ओक कभी भी घटिया कामों का सहारा नहीं लेता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। ही कीप्स पेशेंस इन हिज लव टुवर्ड्स बाथशीबा, तो बाथशीबा की जहाँ तक बात आती है तो वो धैर्य रखता है, अगर उसे रिजेक्ट भी कर दिया तो भी वो धैर्य से देखता है सब कुछ। ही इज़ नॉट एन इमोशनल मैन, थोड़ा इमोशनल वो कम है। ए मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी खुद की इज्जत है। ओक इज़ ए मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, वो खुददार आदमी है। वंस बाथशीबा क्वरल्स विद हिम एंड सेंड्स हिम अवे, एक बार बाथशीबा उससे झगड़ा कर लेती है और उसको भेज देती है। ओक एट वंस लीव्स द प्लेस, तो ओक उसी वक्त चला भी जाता है। ही इज़ हाउएवर कॉल्ड बैक अंडर डायर नेसेसिटीज बाय बाथशीबा, फिर भी बाथशीबा उसको वापस बुला लेती है डायर सर्कमस्टेंसेज में, डायर नेसेसिटी में, जब उसको बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो वापस बुला लेती है, वो आ भी जाता है। ए काम एंड सिंसियर लवर, काम का मतलब है शांत और सिंसियर का मतलब ईमानदार जो होता है। ओक बिगिन्स टू लव बाथशीबा एट फर्स्ट साइट, ओक बाथशीबा को पहली नज़र में ही प्यार करने लगता है। ही इज़ काम एंड सिंसियर इन इज लव विद बाथशीबा, तो वो बाथशीबा के प्रति बड़ा ही शांत है, ईमानदार है। ही डज नॉट मेक ए शो ऑफ हिज लव, वो अपने प्यार का ज़्यादा दिखावा नहीं करता। वंस ही सेट्स हिज हार्ट ऑन बाथशीबा नो अदर गर्ल कम्स इन टू हिज माइंड, और जब उसका बाथशीबा से एक बार उसका दिल लग जाता है तो और कोई लड़की उसके दिमाग में फिर नहीं आती। वंस हिज लव इज रिजेक्टेड डिसाइड्स नेवर टू प्रपोज टू हर, और एक बार जब बाथशीबा उसको रिजेक्ट कर देती है तो वो क्या डिसाइड करता है कि अब दोबारा उसको प्रपोज नहीं करेगा। एन एफिशियंट वर्कर, ओक इज एन एफिशियंट वर्कर, ओक एफिशियंट वर्कर भी है। एफिशियंट का मतलब कुशल। ही नोज हिज बिजनेस एज ए फार्मर एंड ए शेफर्ड बेस्ट, वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है।
वो एक किसान है, किसान का बिजनेस करता है और शेफर्ड भी है, वो भेड़ों को भी पालता है, तो उसके बिजनेस में अच्छा उसको ज्ञान है। ही क्योर्स बाथशीबा शीप, तो एक समय वो बाथशीबा की भेड़ों का भी इलाज करता है। ही पुट्स आउट फायर इन द फार्म ऑफ बाथशीबा, बाथशीबा के खेत में एक बार आग लग जाती है तो वो बुझाता है उसको। नॉट द लीस्ट ऑफ हिज असेट्स इन हिज रूरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड हिज एबिलिटी टू वेट, तो उसकी जो असेट्स है और उसकी जो रूरल अंडरस्टैंडिंग है वो संदेह से परे है। हिज लव फॉर म्यूजिक एंड नेचर, वो म्यूजिक और नेचर से बड़ा प्यार करता है। गैब्रियल ओक हैज़ ग्रेट लव फॉर म्यूजिक एंड नेचर, ही लुक्स एट द स्टार्स एंड फील्स डिलाइट टू सी देम, वो तारों से तारों को देख करके बड़ा खुश होता है और प्रसन्न होता है, प्राकृतिक प्रेमी है। हिज वीकनेस, उसकी कमजोरियाँ क्या है, वीकनेसेस, गैब्रियल ओक हैज़ मैनी वीकनेसेस इन हिज कैरेक्टर, ही लैक्स द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन लव, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है जब प्यार की बात आती है तो। ही सफर्स फॉर वॉन्ट ऑफ ग्रेस एंड लस्टर, और वो तंग होता है क्योंकि उसमें ग्रेस और लस्टर की कमी है। फॉर वॉन्ट ऑफ का होने का मतलब है कमी होना, किसकी, ग्रेस की और लस्टर की। लस्टर को तो चमक बोलते हैं, चमक मतलब बाहरी आवरण जो उसका देखने वाला वो एकदम सीधा साधा सा रहता है, कोई उसमें भड़कीलापन नहीं है। और ग्रेस नहीं है, ग्रेस का मतलब होता है एक आदमी जो देखने में बहुत ही शालीन लगता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का लगता है, वो ग्रेस होती है, तो उसमें ये कमी है थोड़ी। ऑन अकाउंट ऑफ हिज वीकनेस ही वर्क्स एंड सफर, अपनी कमियों के कारण वो थोड़ा सा परेशान भी होता है कभी कभी। सेंट्रल फिगर ओक इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर इन द नॉवल, नॉवल का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। ही पजेस इज हेरोइक सिंप्लिसिटी एंड इंटीग्रिटी, तो उसके पास हेरोइक सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी है, बहुत हेरोइक है वो, हेरोइक का मतलब वीरतापूर्ण है, और इंटीग्रिटी है उसकी, इंटीग्रिटी का ईमानदारी है। ही इज़ नॉट ए मैन ऑफ फॉल्स शो, वो झूठा दिखावा कभी नहीं करता। ही इज सिंपल बट मेंटेन्स हिज डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, वो सिंपल तो है परंतु अपनी इज्जत और अपना मान सम्मान वो बनाए रखता है। ही इज अ सेंट्रल फिगर इन द नॉवल, वो नॉवल का सेंट्रल फिगर है। रोनाल्ड ब्ली सेज हार्डीज पिक्चर ऑफ द क्लासिकल रूरल टाइम स्केल इन विच ही मेक्स द टेम्पोरल चाइम विद द इटर्नल इज एट इट्स मोस्ट ग्लोरियस इन फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, तो ये एक राइटर है रोनाल्ड ब्ले, वो कहता है कि हार्डी ने जो पिक्चर पेश की है रूरल एरिया की, क्योंकि इसमें गांव का ही परिदृश्य है सारा, वेदरबरी जो फार्म था उसका और जो भी सारी भी कहानी घटती है ये सारे गांव के वातावरण में घटती है, तो ये बहुत ही सुंदरता के साथ इसका चित्रण किया गया है और बहुत ही ग्लोरियस चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ही क्रिएट्स इट पाउंड द सेंट्रल फिगर ऑफ द ट्रू पैस्टोरल दैट ऑफ द फेथफुल शेफर्ड, और यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर का चित्रण किया है, जो एक शेफर्ड है जो बहुत ही फेथफुल है, गैब्रियल ओक की बात कर रहा है, उसको सेंट्रल फिगर बनाया है। गैब्रियल ओक में राइज टू ए फार्मर टेनेंसी एंड टू बीइंग द मास्टर ऑफ मैन एंड अल्टीमेटली टू बीइंग द कंसोर्ट ऑफ द लोकल गोडेस, अब गैब्रियल ओक जो है वो एक छोटा सा फार्मर होता है, उसको दिखाया गया कि किस तरह से वो धीरे धीरे इतना अपना तरक्की कर लेता है कि अंत में वो लोकल गोडेस का स्वामी भी बन जाता है। लोकल गोडेस यहाँ बोला गया उसको, बाथशीबा को, गोडेस कभी कभी उस औरत के लिए भी वर्ड यूज़ होता है जो बहुत सुंदर होती है, तो वो लोकल गोडेस थी यानी वहाँ की सबसे सुंदर लड़की थी, तो उसको वो कंसोर्ट कर लेता है, फाइनली हासिल कर लेता है। बट नेवर फॉर ए मोमेंट कैन ही एस्केप हिज रोल एज बेल वेदर टू द विलेज फ्लॉक, परंतु उसने बेल वेदर का भी रोल बहुत अच्छे से निभाया है। बेल वेदर वो भेड़ होती है जिसके गले में घंटी बंधी होती है और सबसे आगे आगे चलती है, तो ये एक तरह से लीडर का भी है, वो विलेज फ्लॉक के लिए बेल वेदर का काम करता था, जो गांव का जो फ्लॉक था, भेड़ों का जो दल था, जिसके पास भी भेड़ें होती थी उनकी अच्छी देखभाल करता था, उसको अच्छा नॉलेज था इस चीज़ का, ऊपर से लगता है लेकिन अंदर से वो बहुत ही शक्तिशाली लगता है, मोरली स्ट्रॉन्ग लगता है। मोरली का मतलब नैतिकता की भावना उसमें खूब है, कहीं पर भी उसने बुरी नीयत कहीं नहीं दिखाई, उसने जो था वैसा उसने स्वीकार किया, तो मॉरल डायमेंशन उसका बहुत हाई है। Although he is never ponderous and hardy even goes so far as to bring him down to doorstep earthiness by revealing the sort of limitations which would make Bathsheba justified in looking around for a better match. हालांकि वो कभी भी ponderous नहीं रहे, ponder का मतलब होता है सोच करना, विचारना, चिंतन करना, यानी वो अपने बारे में कभी ज़्यादा सोचता नहीं है, चिंतन नहीं करता है, और हार्डी ने उसके कैरेक्टर को इस तरह से रचा है कि कभी कभी हम बाथशीबा का जो उसको रिजेक्ट करने का एक्शन था उसको हम जस्टिफाई भी पाते हैं कि बाथशीबा ने क्यों रिजेक्ट किया होगा उसको, क्योंकि वो जरूर से ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा बनता नहीं है, उसमें इतने मैनर्स नहीं है, अच्छा आदमी तो है, ऊपर से भी तो लगना चाहिए ना, तो वो चीज़ें नहीं है, तो कभी कभी हमें लगता है कि हार्डी ने बाथशीबा का जो वो एक्शन था उसको रिजेक्ट करने का उसके साथ जस्टिफाई भी किया है, हम कह सकते हैं कि बाथशीबा कहीं ना कहीं सही भी थी। हाँ ट्रॉय की तो बात ही क्या थी, वो तो ऊपर से तो अंदर से भले ही कैसा हो लेकिन बाहर से बहुत गजब की पर्सनैलिटी थी उसकी, सोल्जर था वो, उसको पता था कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करना है, अच्छे उसके मैनर्स थे, अच्छी ड्रेस रखता था वो, अच्छा बोलने में माहिर था वो, तो ये अंदर की चीज़ें तो बाहर से किसी को कैसे पता लगता है, पहले तो हम इम्प्रेस होते हैं उसके बाहरी आवरण से, उसके बाद धीरे धीरे हमें पता लगता है कि अंदर से वो आदमी कैसा है, क्योंकि अंदर वाला जो रूप है वो एकदम से पता नहीं लगा सकते, तो बाथशीबा इसी वजह से ही धोखा खा गई थी, ट्रॉय के साथ फंस गई थी और इसको उसने रिजेक्ट कर दिया था। गैब्रियल स्टेज
स्टोलिडिटी विद इन द पैरिश लिमिटेशंस. स्टोलिडली, स्टोलिड एक वर्ड था आपने किया ना, स्टोलिड का मतलब क्या था? हाँ, भावहीन, संकोची होता है जो. तो वो स्टोलिडली अपनी लिमिटेशन में ही रहता है, वो उसमें ज़्यादा वो इमोशन वगैरह शो नहीं करता है. इट इज़ देयर दैट ही शाइन्स, और यहीं वो चमकता है, यानी यहीं वो बेस्ट दिखाता है अपना, जहाँ वो रहता है. इट इज़ देयर दैट ही प्रिजाइड्स ओवर सच अनमैच्ड सीन एज द शीप वॉशिंग, द शियरिंग, द स्टैक यार्ड एंड ऑल द इनएस्केपेबल सेट पीसीज ऑफ फार्मिंग, टॉयल एंड स्किल, रिस्क एंड सॉल्वेशन, प्रॉफिट एंड लॉस. अब जो उसका गैब्रियल ओक का जो बेस्ट है वो यही निकल के आता है, वो इसी के लिए बना हुआ है कि भेड़ों को किस तरह से पालना है, कैसे उनको साफ रखना है, कैसे उनकी कटिंग करनी है और किस तरह से फार्मिंग करनी है, ये सारी चीज़ों का वो मास्टर है. और यहाँ पे वो खुद बेस्ट है, अपना बेस्ट दे सकता है वो. प्रॉफिट लॉस, रिस्क एंड सॉल्वेशन, टॉयल एंड स्किल, इन सभी कामों के लिए ही वो बना हुआ है. हार्डी अलाउज इन्फीरियर ड्रामाज टू इंट्रूड अपॉन दीज सेक्रेड एग्रेरियन मोमेंट्स, डिस्ट्रैक्टिंग कोर्टशिप एंड फीस्टिंग दैट आर इररिलेवेंट टू देयर हायर सेलिब्रेशन, एंड देन यूजेस गैब्रियल ओक हिज गुड शेफर्ड एज एन इंडिकेटर बाय विच वी कैन स्टीयर आवर वे इनटू फार्मिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी. द रिचेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस इज चैप्टर 22, द ग्रेट बार्न एंड द शीप शीयरर्स. तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि हार्डी कभी कभी हमारा ध्यान उस लव का जो थीम है उससे हटा देता है, और कभी कभी हमें ये जो खेती के मोमेंट्स हैं, एग्रेरियन मोमेंट्स का मतलब ये खेती वाले जो दृश्य हैं, इनके ऊपर भी हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि किस तरह से गांव के लोग जीवन जीते हैं, गांव के लोगों की एक्टिविटीज़ क्या है. इन सभी चीज़ों से हट, लव वाले मैटर से हट करके गैब्रियल ओक के माध्यम से हमें उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बताता है, किस तरह से लोग भेड़े पालते हैं, कैसे उनकी देखभाल करते हैं, कैसे चारा उगाते हैं, किस तरह से भेड़ों से कमाई की जाती है. इस नॉवल के माध्यम से हमें वो चीज़ें भी देखने को मिलती हैं. लव वाला मैटर तो अलग से है ही. ओके, तो ये अपना हो गया गैब्रियल ओक का.